कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग हैं, और अब हम लोग सीखेंगे इसमें किस तरीके से गूगल से लॉगिन कराएंगे। ये नॉर्मल ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन है, तो हम लोग इसको चाहते हैं गूगल से भी ऑथेंटिकेट कराए, गूगल से भी लॉगिन कराए। इसके लिए हमको नेक्स्ट ऑथ ही का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट ऑथ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें गूगल प्रोवाइडर को ऐड करेंगे, ठीक है? तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट में ये ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस को बनाया है, जिसमें क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक इसी में गूगल क्रेडेंशियल प्रोवाइडर भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर कॉमा लगाकर और भी प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं। तो गूगल प्रोवाइडर को इम्पोर्ट कर लेते हैं। गूगल प्रोवाइडर इम्पोर्ट होगा यहाँ पर, इम्पोर्ट गूगल प्रोवाइडर फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ स्लैश प्रोवाइडर स्लैश गूगल, ठीक है? तो ये आपको इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, गूगल प्रोवाइडर, ठीक है? गूगल प्रोवाइडर एक पूरा का पूरा बिल्ट इन फंक्शन है। आपको इसके अंदर दो चीज़ें पास करनी है, एक गूगल का क्लाइंट आईडी और दूसरा गूगल का सीक्रेट कोड। तो क्लाइंट आईडी और सीक्रेट कोड जो एक्चुअली है वो हम लोगों के पास रहेगा। पहले तो क्लाइंट आईडी इस तरह से लिखेंगे और लिखेंगे प्रोसेस process.env.google क्लाइंट आईडी, ठीक है? ये env वाले फाइल में रखेंगे, इसलिए प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं हम, ठीक है? दूसरा ये कि हमको सीक्रेट की भी चाहिए, बाकी चीज़ें हमको अभी यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है? तो दो चीज़ें हमको लानी है, एक है सीक्रेट की यानी सीक्रेट कोड और दूसरा क्लाइंट आईडी। ये दोनों कहाँ मिलेगा ये इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए गूगल के ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोवाइडर के पास जब हम जाएंगे यहाँ पे, तो गूगल को यहाँ पे से देखो लिस्ट में गूगल भी होगा, गूगल पे क्लिक किया तो ये हमको बता रहा है कि आपको यहाँ डेवलपर वाले लिंक पे क्लिक बता रहा है कि यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? इस वेबसाइट को देख लीजिए, यहाँ पर आना है, क्रेडेंशियल पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू क्रेडेंशियल क्रिएट करना है। यहाँ पे ऑथ क्लाइंट आईडी दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है और उसके कुछ बेसिक डिटेल गूगल मांगेगा, जिसको देने के बाद आपको वो एक की जनरेट करके दे देगा। देखिए ये वेब एप्लीकेशन बना रहे तो वेब एप्लीकेशन डाल देंगे, इसका नाम क्या रखना चाहते हैं वो, तो हम यहाँ पे भी कोचिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ये नाम रख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? तो ये पूछेगा हमसे कि ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल क्या है या ऑथराइज ओरिजिन क्या है, तो ये सब आपको बताना पड़ता है, ठीक है? तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जेएस ने बताया है कि अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आपको क्या करना है और अगर आप इसमें हैं तो क्या करना है, तो ये ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल में डाल देना है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे है, ये यहाँ डाल देना है, ठीक है? आपका जो लिंक है वो लोकल होस्ट 3000, जो कि मेरा ऐप चल रहा है वो 3000 पे चल रहा है। इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें ऐसे डाल देती हैं। इसके बाद है ना यहाँ पर इस पर इसको कुछ नहीं करना, बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक सीक्रेट की भी। तो मैंने सीक्रेट की को ENV के अंदर डाल दिया है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये की है मेरा जिसको मैंने डाल दिया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बेसिकली गूगल प्रोवाइडर को यूज़ करूँगा और देखूँगा कि यहाँ से गूगल साइन इन करता है कि नहीं करता, बट हमको इसमें कुछ चीज़ें और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लॉगिन को सेव करना वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चीज़ तो कर लिया, लॉगिन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमको जहाँ पे भी ये साइन इन विद गूगल कराना है वहाँ पे हमको इसका एक बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो लॉगिन फॉर्म में हम नीचे आते हैं यहाँ पे और सारे फॉर्म के बाद यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, ठीक है? बटन टाइप बटन और ऑन क्लिक में कुछ फंक्शन डाल देंगे, क्लास नेम bg- अभी ब्लैक, ठीक है? और px3 py2 राउंडेड और टेक्स्ट डैश वाइट इस तरह से, और लिख देते हैं साइन इन विथ गूगल, ठीक है? बटन टैग 1
ये एक बटन बना दिया जिसके ऊपर मैंने एक फंक्शन डालना है, इसका नाम रखेंगे हैंडल साइन इन। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग को ऊपर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया हैंडल साइन इन, तो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हैंडल साइन इन फंक्शन है, ठीक है, विथ गूगल, ये भी मैं फंक्शन के नाम में ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे विथ गूगल यहाँ पे भी लगा देंगे, देखो ये हो गया। तो ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। अब ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप, ये फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा, इसलिए हम इसका फंक्शन कर देते हैं और असिंक्रोनस होगा। ASYNC प्रॉमिस लगा दिया मैंने। अवेट साइन इन फंक्शन को यूज़ करेंगे, प्रोवाइडर बताएंगे गूगल और कॉमा देंगे और कॉल बैक बता देंगे, कॉल बैक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल बैक URL। ठीक है, अब ये URL आपको बता देना है कि लॉगिन होने के बाद कहाँ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर डाल देते हैं HTTP://localhost:3000, अभी यही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन गूगल पे क्लिक कर, गूगल लॉगिन के पे ऊपर क्लिक करने पे होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो आप देख रहे हैं साइन इन विद गूगल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से ये काम होगा। तो मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ और थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ, पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक्सेस ब्लॉक करके बता रहा है, इनवैलिड क्लाइंट इफ़ यू यूज डेवलपर, चेक कर लेता हूँ उनको क्यों इनवैलिड हो रहा है, उसकी वजह क्या है। क्लाइंट आईडी मैं चेक करता हूँ तब बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने ENV के फाइल में ना लास्ट में सेमी कॉलम लगा दिया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अभी ये ठीक है, मैं दोबारा से साइन इन करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये ठीक से काम कर रहा है, देखिए होम पेज पे आ गया, इसका मतलब लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो जो बंदा लॉगिन किया है वो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ लॉगिन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली है ना गूगल से लॉगिन करना थोड़ा इजी रहता है और इसका सेटअप आसान है। ठीक है, तो मैंने सेमी कॉलम लगाना भूल गया था, तो वो एक एरर था जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा था। खैर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा ये बटन को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं W-full। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर मान लेते हैं मान लीजिए कि हमको है ना यहाँ पर लॉगिन का तो काम हो गया मेरा। अब आप बटन को देख सकते हैं, एक बड़ा सा बटन दिख रहा है। तो साइन इन विद गूगल भी काम कर रहा है और नॉर्मल यूज़र आईडी पासवर्ड से भी काम कर रहा है। बट जब गूगल से लॉगिन कर रहे हैं तो यूज़र का अकाउंट कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यूज़र का अकाउंट स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और जो डेटा गूगल से फेच हो रहा है API के बाद, गूगल से लॉगिन होने के बाद, उसके बाद हम लोग डेटा को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं कि चेक कर लेना है कि अगर इस नाम से पहले से क्रिएट है या नहीं। असिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट यूज़र इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये यूज़र को टोकन को पास कर लेंगे, बेसिकली टोकन से हम लोग निकाल सकते हैं डेटा। ठीक है, ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इसमें लगा देता हूँ अवेट कनेक्ट DB। ठीक है, इसके बाद मैं लगाता हूँ लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र, मॉडल का नाम है यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, खोज लेते हैं, अगर पहले से होगा तो ठीक है, ईमेल कॉलन टोकन ईमेल। ठीक है,
अगर होगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है तो फिर क्रिएट कर दो। तो यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट न्यू यूज़र मॉडल और कर्ली ब्रैकेट देके इसमें डेटा भर देते हैं, जैसे कि ईमेल टोकन ईमेल से निकाल देंगे, इसी तरीके से पासवर्ड टोकन पासवर्ड से, इसी तरीके से नाम, सॉरी एक्चुअली हमको पासवर्ड की ज़रूरत क्या है, गूगल से साइन इन करने के में पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती और टोकन में कोई पासवर्ड सेव भी नहीं है। नेम टोकन डॉट नेम, इसके अलावा हमको लगता नहीं है कि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डॉट सेव लगा देंगे यहीं पे तो ये सेव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया। इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे यूज़र को, फंक्शन बन गया कि अगर भैया ऐसा है कि पहले से यूज़र है तो वही यूज़र रिटर्न होगा, नहीं है तो क्रिएट होकर रिटर्न करेगा, सिंपल। तो हम लोग इस फंक्शन को कहाँ लगाएंगे वो देखिए, तो हम लोग ऐसे कॉल बैक में लगा देंगे। ठीक है, तो कॉल बैक में जहाँ हम लोग का टोकन जनरेट होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टोकन जनरेट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे कांस्टेंट। अब क्रिएट, अगर मान लो कि यूज़र को क्रिएट करेगा, अगर क्रिएट किया तो ठीक है, नया नया आएगा, नहीं क्रिएट करेगा तो पुराना जो है वही आएगा। ठीक है, ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो न्यू यूज़र, ठीक है, और टोकन का जो नाम है वो न्यू यूज़र से उठा देगा, तो उसमें दोनों आ जाएगा, अगर मान लो मैच करता है तो भी आ जाएगा न्यू यूज़र। ठीक है, इसके अलावा टोकन जो है वो हम एक बार प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल कर लेते हैं, बाद में हटा देंगे। ठीक है, दिस इज़ टोकन, और इसमें कॉमा देके टोकन को प्रिंट कर लेते हैं। टोकन को क्यों प्रिंट कर रहे हैं, ताकि हम लोग देख सकें कि हाँ टोकन में क्या क्या डेटा है, इसलिए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कोई काम बचा है। चलिए, सब ठीक चल रहा है। तो हम एक्चुअल में चाहते हैं क्या है कि जब गूगल से साइन इन हो ना तब भी डेटा स्टोर हो यहाँ पे, मंगो डीबी में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इस सब टोकन का मेहनत किए हैं। अब दोबारा से गूगल लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो लॉगिन हो गया है, अब ये चेक करना है कि इसमें स्टोर हुआ या नहीं हुआ। देखो बहुत बढ़िया, ये मेरा जीमेल अकाउंट, मेरा ये सारा कुछ आ गया। इसमें पासवर्ड नहीं आएगा क्योंकि पासवर्ड से गूगल कभी भी पासवर्ड शेयर नहीं करता, वो बस आपको लॉगिन करा के दे देता, तो इसके लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि पासवर्ड को मैंने पहले ही डिफ़ॉल्ट नलेबल रखा है ताकि उसमें नहीं भी डाले तो चलेगा। ठीक है, तो ये परफेक्टली बन गया, अब हमारे पास यूज़र अकाउंट है। ठीक है, और मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि दोबारा नहीं बनना चाहिए, अगर पुराना है तो वही रहना चाहिए। देखो मैं ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ दोबारा नहीं बना, देखो दो ही है, नया बना नहीं है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे गूगल से भी साइन इन का काम कंप्लीट हुआ, और ये देखो मैंने कंसोल किया था वो प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है, इसमें फ़ोटो भी आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटो आ रहा है, तो यूज़र मॉडल में शायद मैंने फ़ोटो रखा था, ये देखो इमेज, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास फ़ोटो है तो फिर तुम डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा कि फ़ोटो भी स्टोर हो जाए, इसके लिए करना पड़ेगा राउट में यहाँ पर क्रिएट न्यू यूज़र, और उसमें लगाना होगा इमेज कॉमा इमेज कॉलन टोकन डॉट इमेज। ठीक है, तो शायद इमेज भी स्टोर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको ये वाला डेटा भी डिलीट मारना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इमेज से क्या होगा, गूगल का जो मान लो जीमेल का जो तुम्हारा डीपी है वो मेरा लॉगिन में दिखेगा। ठीक है, अभी पहले स्टोर करते हैं, देखते हैं स्टोर होता है कि नहीं। देखो इसमें इमेज नहीं आया, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा कि इमेज, अच्छा नाम पिक्चर है, सॉरी इसका नाम पिक्चर है, तो टोकन डॉट पिक्चर होगा, टोकन डॉट इमेज नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार और, फिर से डिलीट मारना होगा इसको, क्योंकि पहले से अगर है तो कुछ अपडेट नहीं होने वाला। लॉगिन पे जाते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं, बहुत बढ़िया है, और यहाँ चेक करते हैं, देखो ये इमेज भी आ गया। तो ये इमेज एक यूआरएल में आया है जिसके बाद हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा के तौर पर। इस यूआरएल को तुमको दिखा देते हैं, तुम इस यूआरएल को अगर एक्सेस करोगे
इस यूआरएल को अगर कहीं भी एक्सेस करोगे, जैसे कि यहाँ देखो फ़ोटो मेरा आ गया है ना, तो इस तरह से पॉसिबल है, आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा लॉग आउट भी बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट बनाना भी बहुत आसान होगा। होम इस जगह पे हम लॉग आउट, अच्छा लॉग आउट बना हुआ है पहले से, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैं भूल गया था। तो लॉग आउट सेम लॉग आउट वही गूगल में भी काम करेगा, ठीक है। देखो होम पेज को एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्यों? क्योंकि होम पेज को मैंने मिडलवेयर में लॉक किया है। मैं आगे जाके होम पेज को हटा दूंगा, ऐसा नहीं है कि होम पेज ही लॉक रहेगा। होम पेज अभी मिडलवेयर में लॉक किया हुआ है, कि सिक्योर पेज है यही, जिसके बाद हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसमें नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे काम है जो हम लोगों को करना है।